जनता ने चुनाव लड़ा मेरा पहले मैं तड़पा लिखा कटे डाय अरे पो डा दियो गड़े गड़े सारा उड़ाइए मुकाबला ही बनियो मारो 20-25 हजार जितना दे 20 हजार जीता मुकाबलो के क्यों हो जनता बढ़िया गिरे मैं फैसला लिए बढ़िया फैसला लिए जनता मुद्दे क्या थे आपके चुनाव जब लड़े मुद्दे सारे ही है मुद्दे काम करेगा नहीं कुछ सारा मुद्दे ही मुद्दा मंदा बोलिया संगो खाओ माँ जनता बेइज्जती करता लोग वो नीति तो देती है लोग तो आगे क्या आप काम क्या करेंगे काम जो पकाए वो सारा करते हैं कोई कौन देना हर सिंह जी गठबंधन हुआ था इनेलो बसपा गोपाल कांडा और कहीं ना कहीं ये भी आरोप लग रहा था कि बीजेपी भी साथ है बीजेपी साथ ही और क्या बीजेपी साथ ही है झंडा सारा बांध रखे आप सभी में कटा बांध रखे थप्पो झंडा बांध रखे बिल्लू भी लगे हो बिल्लू और झंडो कंडा कौन बांध रखे हो जब तक खोल दो कंडा खोल दो जाके एक ही आए एक ही आते थे सागे फिरा की बोले पार्टी सारा खून मांगे तो क्या मानते हैं ये जो इतना बड़ा गठबंधन है उसके साथ आप अकेले मुकाबला कर रहे थे अकेला कौन जनता मेरे सागे ही जनता कर रही थी मुकाबला नहीं अलग लड़े जनता लड़े इलेक्शन मेरे अभय सिंह चौटाला का दावा था कि वो इस बार उनकी सीटें काफी आएंगी गठबंधन की और वो सीएम बनेंगे बनेगा सीएम भूत बनेगा वह आपका बाबा नोट से क्या बने मरे नहीं दस नहीं क्या ले फिर हैं बापो तो दादा ले फिर अरे वो आपके बाबा ले फिर अनकू मरे नहीं दस ले फिर यही लोगों ने जुलम दस तिगड़े पाग का आया बंदा बोलता नहीं है सी एम होता तो बंदा बोलता अफसर नहीं डी सी डा एस पी डा कहता चल पा है तो अपने छोड़ा जितू तो बोला अगला सागे पढ़ लिख क्या क्या है बेचारा मैंने छोटा छोटा नाम लेता सारा जागा जाट जगह अपने इंस्पेक्टर अपने सारा प्रक्रिया चला रहा क्या जाट ने एक नहीं कौन जाने इन एलो की क्या स्थिति देखते हैं इन एलो को कितनी सीटें आएंगे इन एलो की गोनिया साफ है कोई सीट गोनिया है किसी की गोनिया वहीं सारा साफ हो गया सारा पार्टी पून मारे हूँ पहले बड़े जाके लड़के आया बड़े सार लड़के आ रही बड़े सर तब लड़े बिने जाए तो कल्ला पड़ा बिने गया कौन डरता है अठे लड़े अठे लड़के अठे आप सही में लड़के वो गिरे बैठ जाए की कौन है वो फारा मौसम ही रहे लड़े कौन से नहीं सारा काम सर के जो इलाहाबाद के जो मतदाता है जिन्होंने आपको जीत जिताई 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 के लिए क्या कहना चाहेंगे वो बढ़िया किया उन्होंने बढ़िया फैसला लिया है जो जायज फैसला था वो लिया है मैं उनका धन्यवाद करता हूँ सारे लोगों का कि उन्होंने बढ़िया फैसला लिया है बहुत बढ़िया बहुत धन्यवाद सारा हरियाणा में धन्यवाद मेरा लिखा तो 100% ही धन्यवाद 1000% हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।